मामशाय, तुमने इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए अब रोल प्ले करना है। तुमने पाकिस्तान तो बन गया, पाकिस्तान बनाने में तुम्हारे आबाओ अजदाद ने, उलमा मशाइख ने बड़ा किरदार अदा किया। अब तुमने अपना रोल प्ले करना है, उलमा मशाइख इसके इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करना है। ये 14 अगस्त आती है सियासतदानों को जगाने के लिए, सियासतदानों को बताने के लिए आती है कि सियासतदानों इस मुल्क के लिए कुछ सोचो, मुल्क के लिए काम करो, ये नारों से बाहर आओ और अमली कुछ काम करके दिखाओ। ये 14 अगस्त आती है किसानों को जगाने के लिए और किसानों को बताने के लिए आती है कि मेहनत करो और मेहनत करके अपने मुल्क को मजीद जरखेजी की तरफ लाओ और इसके अंदर मजीद जो है वो फसल जो है और अच्छे अच्छे बीज को और इसके लिए कामयाबी के लिए मेहनत करो। ये 14 अगस्त आती है तालिब इल्मों को जगाने के लिए। तालिब इल्मों को कहती है, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के उस मामले को, उस वाकया को याद करवाने के लिए आती है कि कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना अपने रूम में सोए हुए थे, उन्होंने क्या देखा कि ऐसी थथली मची है जैसे जलजला आ गया है। आप उठे, आपने फिर देखा कि कमरे में कुछ नहीं है, फिर आप लेट गए, फिर उसके बाद जलजले की सूरत वही वाकया दोबारा हुआ, फिर आपने देखा कि कुछ नहीं। तीसरी मरतबा जब आप लेट गए तो फिर आपने दोबारा वही सूरत हाल हुई, तो आप उठे, तो जब उठते हैं तो क्या देखते हैं, कमरे में एक बहुत ज्यादा खूबसूरत नूरानी चेहरे वाला शख्स मौजूद है और कमरे में भीनी भीनी खुशबू आ रही है और उस भीनी भीनी खुशबू में हजरत कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना खड़े होकर करते हैं, आने वाले शख्स आप बताइए आप कौन हैं, आपका तारफ क्या है, आपकी शख्सियत कैसी है, मुझे अपना तारफ करवाएं। तो तारफ करवाने वाले तारफ क्या करवाते हैं, फरमाते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, मैं तेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। आज मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि तेरी ड्यूटी हमने पाकिस्तान बनाने के लिए लगा दी है, तुम्हें चुन लिया गया है, तुम जाओ और मुल्क पाकिस्तान बनाओ। पाकिस्तान ये 14 अगस्त आती है इस वाक्य को याद दिलाने के लिए और ये 14 अगस्त आती है अल्लामा इकबाल के ख्वाब को ताज़ा करने के लिए कि अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था। लेकिन आज क्या है, आज हम भूल गए सारी बातें, उन शहीदों के खून को भूल गए। अभी आपने जुमला सुना, जिंदा कौमें, जिंदा कौमें, हम जिंदा कौम नहीं बन सके क्योंकि जिंदा कौम वो होती है जो मोहसिनों को याद रखती है और हमारे सबसे बड़े मोहसिन कौन से लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश कर दिए, माओ बहनों बेटियों ने अपनी इज्जतें जो हैं इस मुल्क को बनाने के लिए कुर्बान कर दी। एक बूढ़ा खड़ा था, कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर थी, एक बंदे ने आके उसे पूछा, ये बंदा तो अंग्रेजी बोलता है, तुम्हें इसकी बात समझ भी आई है कि नहीं आई, तुम इसकी गुफ्तगू को समझते भी हो कि नहीं समझते, ये क्या बात कर रहा है, आज वाला माहौल तो नहीं था ना। वो कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना की बात को सुन के उस जो सवाल करने वाला था उसको उसने जवाब दिया, मुझसे पूछने वालों इसके बारे में कि ये क्या कहता है, कहते मुझे पता नहीं ये क्या कहता है, लेकिन मुझे इतना पता है जो कहता है सच कहता है, जो कहता है सही कहता है। आज जरूरत इस अमर की है कि हम अपने मुल्क के लिए नारा जो लगाते हैं उस नारे से बढ़कर हम अपना रोल भी प्ले करें, हम अपने उसको प्रैक्टिकली हम अपना रोल प्ले करें, हम अपने आप को तैयार करें कि हमने मुल्क को 70 बरे हो गए ने टोड़ दिया, 70 बरे हो गए ने टोड़ दिया, तुमने दसो पाकिस्तान कि 70 बरे हो गए ने टोड़ दिया। वो जो टुड़िया से ना चोटी भी जब चलती है ना वो बार बार गिरती है, बार बार गिरती है, फिर चल के अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। हमें भी 70 साल हो गए, 77 ईयर्स हो गए हैं चलते हुए, हमें भी अपनी मंजिल पे पहुंचना है। अल्लाह करीम वो दिन जल्दी लाए कि हम अपनी मंजिल पे पहुंचें। और मुझे इस बात का भी यकीन है कि हम एक ऐसी सुरंग में दाखिल हो चुके हैं कि जिसके दूसरे किनारे पे रोशनी है, इंशाअल्लाह जल्द हम उस रोशनी तक पहुँचेंगे। अल्लाह करीम हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए सही मानों में अपना अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। वाखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह।
Lord, God, God.